आज हम अपने चैनल के माध्यम से रहुआ पंचायत जो रोसरा अनुमंडल के अंतर्गत है, रहुआ पंचायत के भावी प्रत्याशी सुशील कुमार जी से बात करेंगे। सुशील जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप भावी प्रत्याशी हैं रहुआ पंचायत के, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव है और क्या उद्देश्य है कि आप अपने पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं? जी, मैं रहुआ पंचायत के वासी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुशील कुमार, मेरे पिताजी का नाम दिलीप सानी, मैं ग्राम पंचायत रहुआ का निवासी हूँ। मैं रहुआ पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में सुशील कुमार को विजयी बनावे और पंचायत में जितने भी कठिनाई है उन सभी को जब बुलावे पंचायत में हम वहाँ पर हाजिर रहेंगे और मैं 24 घंटा अपने पंचायत में जो भी समस्या होगा उसका सॉल्व करेंगे और जितने भी पंचायत में लोग हैं किसी भी प्रॉब्लम होता है मैं अपने पंचायत भवन पर प्रत्येक दिन बैठूंगा और मैं उसका निवारण करूंगा, जो भी दिक्कत होगा उसका सॉल्व मैं करूंगा। मैं यही, जब जब चुनाव आते हैं नेताओं की यही बात होती है, सभी लोग यही कहते हैं, आपकी बातों को हम कितना प्रतिशत सत्य माने कि आप ये काम करेंगे ही? ये 100% मानना पड़ेगा जी, क्योंकि मैं मुखिया नहीं रहे तो भी मैं अपने पंचायत के लिए काम करता हूँ और करूँगा और पंचायत मुखिया बन जाऊँगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा और मैं पंचायत में बैठूंगा प्रत्येक सप्ताह जी प्रत्येक मंथ मैं बिजनी कराऊँगा, पंचायत में कितना राशि आया उसके बारे में जनता को जागरूक करूँगा, कौन सा योजना आया उसके बारे में जानकारी दूंगा और जनता पंचायत में जितने भी इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि सरकार देते हैं उसमें जो धांधली होता है उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और शौचालय में जो व्यक्ति पैसा लेते हैं विकास मित्र हो या जो भी प्रतिनिधि हो या सरकारी कर्मचारी हो उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। यही मेरा आग्रह है इस बार जनता पंजाबा पंचायत के जनता से आग्रह है कि एक बार मौका दे और सेवा करने का मौका दे। आपका पंचायत का निवासी मैं सुशील कुमार, आपका रहुआ पंचायत का सेवक, हर समय आपका साथ रहूंगा। मैं धन्यवाद। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, अभी कोरोना काल का समय है जो इस चैनल के माध्यम से रोसरा प्रखंड हो या जिला हो या पूरे विश्व में जहां तक इस चैनल का आवाज़ मेरी जाए सभी से निवेदन है, मैं निवेदन करता हूं कि वो कोरोना का वैक्सीन ले और कोरोना को हरावे क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए सभी व्यक्ति को कोरोना का दवा लेना, इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।